प्रेम के आगे ही तो भगवान हारते हैं, इसीलिए सदा भक्त की ही जीत होती है। सिद्ध हो गया, आप हमारे प्रेम के ऋणी हैं और सदा रहेंगे। इस ऋण को चुकाने का कोई साधन है? एक साधन है। वो क्या? मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। मुरली बजाना? क्या करोगी? जब आप विरह व्यथा से पीड़ित होंगे तो आपकी तरह वृंदावन में चैन से बैठी मुरली बजाऊंगी, जिसकी ध्वनि सुनकर आप भी मेरी तरह बेचैन हो जाएंगे। इसीलिए मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। आप भले ही हमारी बातों पर मुस्कुराइए, परंतु ये मत भूलिए कि हमारे प्राणों से ही आपका शरीर बना है, हमारे मन से आपकी ये चरण कमल बने हैं, और ये जो आपकी मुरली है ये तो हमारा ही शरीर है ना। ये हम कैसे भूल सकते हैं राधे, परंतु हम जो तुम्हें समस्त पीड़ा और शोक का नाश करने वाला आध्यात्मिक तथ्य बता रहे हैं उसे तुम क्यों नहीं सुनती? आप हमारी अहलादनी शक्ति होकर भी अपनी माया के भ्रम में आकर कभी भक्तों से कभी गोपियों से ईर्ष्या करने लगती हैं, जबकि हमें तो हर गोपी में केवल राधा ही दिखती है। हम हार गए राधे। तू भगवान ने हार मान ली। प्रेम के आगे ही तो भगवान हारते हैं, इसीलिए सदा भक्त की ही जीत होती है। सिद्ध हो गया, आप हमारे प्रेम के ऋणी हैं और सदा रहेंगे। इस ऋण को चुकाने का कोई साधन है? एक साधन है। वो क्या? जब इस बैरागी मन को त्याग कर राधा जैसा हृदय आप अपने वक्ष में धारण करेंगे और उस हृदय में प्रेम की तरंगे एक झंझावात की तरह उठेंगी, और जब उस प्रेम के आनंद में भी पीड़ा और उसकी पीड़ा में भी आनंद का अनुभव करेंगे, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि राधा के प्रेम का ऋण कैसे चुकाया जा सकता है।